गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज जनरल प्रिंसिपल प्रोसेसेस एंड आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट का ये थर्ड वीडियो है। अभी तक हम लोग मेटलर्जिकल प्रोसेस को डिस्कस कर चुके हैं। मेटलर्जिकल प्रोसेस में आया था कंसंट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिफाइनिंग। कंसंट्रेशन के कई थे, थोड़ा सा 2 मिनट उसके बारे में। कंसंट्रेशन में हाइड्रोलिक वाशिंग, फ्रोथ प्रोडक्शन, मैग्नेटिक सेपरेशन और लीचिंग के बारे में डिस्कस किए। फिर ऑक्सीडेशन टर्म आया। ऑक्सीडेशन में 2 मेथड था, एक कैल्सिनेशन और दूसरा रोस्टिंग। कैल्सिनेशन कार्बोनेट ओर के लिए और रोस्टिंग सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेज था रिडक्शन। रिडक्शन में बाय हीटिंग एलोन, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट और लास्ट था बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। फिर चौथे स्टेज यानी कि लास्ट स्टेज ऑफ मेटलर्जिकल प्रोसेस में रिफाइनिंग को डिस्कस किया। इसमें आया ऑक्सीडेटिव मेथड, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग और क्रोमेटोग्राफी। ये मेटलर्जिकल प्रोसेस हुआ। ये सारा टर्म अब आपका जाना हुआ है। अब हमें मेटल के एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। सिलेबस के अनुसार से 4 मेटल के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक के बारे में। यहां पर स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में आयरन दिख रहा है। आप कॉपी में सारा नोट कर लिए होंगे और फिर हमें नहीं लगता है कि स्टार्टिंग के कुछ एक पॉइंट्स में आपको दिक्कत होगा, फिर भी उसको एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करते चलते हैं। आयरन का एक्सट्रैक्शन हेमेटाइट या मैग्नेटाइट से करते हैं। जनरली हम लोग यहां पर हेमेटाइट का यूज करते हैं। जमीन के नीचे से हेमेटाइट को निकाला गया। अब इस हेमेटाइट में बहुत सारे अर्थी इंप्यूरिटीज होंगे, सैंड, सॉयल, ये सभी प्रेजेंट होगा इंप्यूरिटीज के फॉर्म में। इस इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए सबसे पहले हेमेटाइट को पाउडर्ड कर लेते हैं, क्रश्ड कर लेते हैं और फिर उसके बाद में इन्हें हाइड्रोलिक वाशिंग प्रोसेस से कंसंट्रेट कर लेते हैं। यहां भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम ये दिया हुआ है। इस ब्लास्ट फर्नेस पर कंसंट्रेटेड ओर और इसके साथ में लाइमस्टोन और कोक को डालते हैं। यहां ये ऊपर से नीचे की तरफ में यह जाएगा और इसी ब्लास्ट फर्नेस में हॉट एयर सप्लाई किया जाता है बॉटम की तरफ से। आप टेम्परेचर यहां देखो 2170 केल्विन है, यानी इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है ब्लास्ट फर्नेस का। और ये अगर एक बार में स्टार्ट होता है तो कई महीनों तक 24 आवर प्रोडक्शन चल रहा होता है, क्योंकि ये फर्नेस एक बार में फिर तुरंत तुरंत बंद नहीं किया जाता है, लगातार कई शिफ्ट में वर्कर जो वो काम कर रहे होते हैं। यहां हम अपनी बात करते हैं, इस जगह से हॉट एयर गया और नीचे से ऊपर की तरफ में बढ़ रहे हैं तो थोड़ा टेम्परेचर कम हो रहा है और यहां से गैस जो है बाहर निकल जा रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। रिएक्शन में होता कहां कहां पर है क्या, जो जैसे जो आप लाइमस्टोन डाले हो कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहां डालते ही ये सबसे पहले डिकम्पोज करता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, और ये कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स के रूप में काम करता है। यानी कि सिलिका जो सैंड है, जो भारी है, जो हाइड्रोलिक वाशिंग के वजह से में वो बाहर नहीं निकल पाया, उसके साथ ये केमिकली कंबाइन करता है। सेकंड वाले पार्ट में यहां आप देख रहे होंगे तो CaO+SiO2 ये कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन करता है। यानी कि अपर पार्ट पर लाइमस्टोन डिकम्पोज कर गया, नीचे की तरफ वो गिर रहा है और गिरते गिरते ये सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। यानी यहां ये कैल्शियम लाइमस्टोन का फंक्शन हो गया, कैल्शियम सिलिकेट का फॉर्मेशन किया और ये लास्ट में देख रहे होंगे नीचे में ये मोल्टेन स्लैग के फॉर्म में यहां पर ये डिपॉजिट हुआ है। कोक जो आप डालते हैं, ये कोक कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जैसे ही हम डालें तो यहां देखो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर की तरफ में जाएगा। अब आप इमेजिन करो कि नीचे से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर जा रहा है और ऊपर से कोक नीचे आ रहा है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कोक ये फिर आपस में कंबाइन कर कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करता है और ये आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस कर देता है आयरन में। ये अलग अलग स्टेज में ये इतने सारे रिएक्शन हो रहे हैं। नोट्स में भी उसको एक समराइज्ड फॉर्म में हम लिखवाए हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में ये पूछा हुआ है कि ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में हो रहा है केमिकल रिएक्शन को आप लिखो, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे ही अब यहां पर नीचे की तरफ में आते हैं तो ये स्लैग यानी कि कैल्शियम सिलिकेट जो बना है ये भी मोल्टेन फॉर्म में है और जो आयरन बना है वो भी मोल्टेन फॉर्म में है।
इस हाई टेम्परेचर पर स्लैग का डेंसिटी चूंकि कम होता है मोल्टेन आयरन से, तो ये अपर पार्ट पर फ्लोट कर रहा होता है। तो इसे हम लोग अलग पाथ से निकाल लेते हैं और इसका एक अलग पाथ वहां से निकाला जाता है। इसके बारे में एक और पॉइंट नोट्स में लिखवाए हैं कि ये मोल्टेन स्लैग लाइटर होता है, हल्का होता है, और ये ब्लास्ट फर्नेस के अंदर में इस हाई टेम्परेचर पर आयरन को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से रोकता है, यानी कि ये दूसरा काम एक प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में भी काम करता है। अब जब ये आयरन यहां से बाहर निकला तो ये इम्प्योर फॉर्म में होता है और इस पिग आयरन में 4% के करीब में कार्बन होता है, यानी कि मेनली कार्बन इंप्यूरिटीज के फॉर्म में होते हैं और भी दूसरे सल्फर फॉस्फोरस भी प्रेजेंट होते हैं। तो अब इन्हें रिफाइन करने के लिए ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग यूज करते हैं, जो पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे। जब पिग आयरन को रिफाइन करते हैं तो कन्वर्ट करता है कास्ट आयरन में, वहां देखो 4% कार्बन था, अभी 1% कार्बन का 3% में कन्वर्ट कर गया। और जब इस कास्ट आयरन को रिफाइन करते हैं तब ये कन्वर्ट करता है रूट आयरन में, इस जगह पर देखो, यानी कि आयरन का तीन फॉर्म हो गया, पिग आयरन, कास्ट आयरन और रूट आयरन, और इन तीनों में रूट आयरन को कॉमर्शियली प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कहा जाता है। ये इतने आयरन के एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड था। सबसे पहले क्या करोगे, आयरन के एक्सट्रैक्शन में जितना केमिकल इक्वेशन है उसको पहले एक जगह पर लिखोगे। इस वीडियो को आप 2-3 बार रिपीट करके देखोगे इस वाले पोर्शन को कि किस तरीके से कहां पर क्या होता है, थोड़ा सा डायग्राम के ऊपर में कंसंट्रेट करोगे, यहां ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, यानी ये सेकंड मेटल है। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इसके बॉक्साइट ओर से किया जाता है, यानी कि इसका ऑक्साइड ओर हो गया बॉक्साइट, और उसे कंसंट्रेट करते हम लोग लीचिंग प्रोसेस से। फर्स्ट वीडियो याद करो, वहां पर हम लोग लीचिंग के बारे में डिस्कस किए थे। लीचिंग करने के बाद में चूंकि ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं किया जाएगा, इनका रिडक्शन कराते हैं, और इनके रिडक्शन के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। चूंकि सब अलग अलग बताया हुआ है तो यहां अगर देखा जाए तो हम लोग को मेन पार्ट क्या करना है उसको देखना होगा। जैसे आयरन के एक्सट्रैक्शन में कंसंट्रेशन हाइड्रोलिक वॉशिंग से, ऑक्सीडेशन कैल्सिनेशन से, थर्ड फाइव पार्ट रिडक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में है, रिफाइनिंग ऑक्सीडेटिव रिफाइनिंग। यहाँ एल्यूमिनियम के केस में एक्सट्रैक्शन करते हैं बॉक्साइड से, कंसंट्रेशन लीचिंग से, ऑक्सीडेशन नई रिक्वायरमेंट है, रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से। इस इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन प्रोसेस में एल्यूमिना डाला जाता है, क्रायोलाइट यूज किए जाते हैं ताकि इनका कंडक्टिविटी बढ़े, और मोल्टेन फॉर्म में इलेक्ट्रोलिटिक टैंक के अंदर में एल्यूमिना आयोनाइज करता है एल्यूमिनियम और ऑक्साइड आयन में। ये एल्यूमिनियम आयन डिपॉजिट होगा एल्यूमिनियम के फॉर्म में एट कैथोड, और ऑक्सीजन लिबरेट होता है कार्बन एनोड पर, और ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में कार्बन पर डिपॉजिट हुआ तो वहां से वो बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। अगर आप बुक पढ़े होंगे तो वहां पर ये बताया भी है कि इस एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद में एनोड रॉड को बार बार चेंज करने का जरूरत पड़ता है। रीजन ये कि वो कार्बन यूज हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, बाहर निकल रहा है इस वजह से। अब यहां से जो एल्यूमिनियम बाहर निकलता है वो ऑलमोस्ट प्योर होता है, यानी कि उसको आप रिफाइन नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप फर्दर रिफाइनिंग का जरूरत महसूस करते हैं तो उसे हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस से रिफाइन करते हैं। ये एल्यूमिनियम के एक्सट्रैक्शन से था। इसके बाद है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर का एक्सट्रैक्शन करते हैं इसके सल्फाइड और कॉपर पाइराइड से, CuFeS2 से। चूंकि ये सल्फाइड और है तो इनका कंसंट्रेशन किया जाएगा फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के बारे में। अब चूंकि ये सल्फाइड और है तब इनका रोस्टिंग किया जाएगा। पर्पस ये है कि रोस्टिंग करना है इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में किया जाता है, वहीं पर ये ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे और लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इन्हें हीट करते हैं। तो जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है और जो कॉपर ऑक्साइड है ये कंबाइन कर कॉपर में कन्वर्ट करता है। ये मोल्टेन फॉर्म में कॉपर होता है और इसी मोल्टेन कॉपर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रहा होता है, और जब ये बाहर निकलता है तो मोल्टेन कॉपर के सल्फर पर ब्लिस्टर फफोला को कहा जाता है। यानी कि जब गैस किसी मोल्टन फॉर्म से निकलेगा तो उसके सरफेस पर एलिवेटेड पार्ट छोटा छोटा बबल्स जैसा जो निकल रहा है बाहर, तो इसलिए इस कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं।
और ये इम्प्योर कॉपर है। इसे रिफाइन करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस यूज करते हैं, जो कि सारा एक एक पॉइंट डिस्कस किया हो यहाँ पर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि कहाँ किस तरीके से एनोड पर कॉपर, एनोड के फॉर्म में इम्प्योर कॉपर को लिया जाएगा, वो सॉल्यूशन में जाएगा कॉपर आयन के फॉर्म में, फिर फाइनली जाकर के डिपॉजिट होगा कैथोड के ऊपर में। इम्प्योरिटीज एनोड के नीचे में रहेगा, उसे एनोड मड कहा जाता है, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होंगे, जो कॉपर के रिफाइनिंग का जो कॉस्ट होता है उसको कंपनसेट कर लेता है। ये कॉपर के रिफाइनिंग से रिलेटेड था। इसके बाद लास्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। जिंक को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं इसके सल्फाइड ओर से, जिंक सल्फाइड से। तो चूंकि ये सल्फाइड ओर है तो इसका कंसंट्रेशन फ्रोथ प्रोटेक्शन प्रोसेस, जब ये कंसंट्रेट कर गया तो अब दूसरा पार्ट क्या होगा इसका, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन के लिए इनका रोस्टिंग किया जाएगा, जिंक सल्फाइड को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। जब ये ऑक्साइड में कन्वर्ट कर गए तो उसके बाद में अब इन्हें रिड्यूस्ड करना होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में हम लोग कोक का इस्तेमाल करते हैं। जब कोक का इस्तेमाल करते हैं तो जिंक बना, ये इम्प्योर है, और इसे रिफाइन किया जाता है डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब डिस्टिलेशन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर जरूरत पड़ेगा तो इसके पहले वाले वीडियो को आप देखिएगा। तो ये इतना एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से रिलेटेड था, यानी कि मेटल का एक्सट्रैक्शन तक का पार्ट आपका ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पार्ट है इलिंगम डायग्राम का। तो आप इलिंगम डायग्राम थोड़ा सा एक बार रीडिंग डालोगे एनसीईआरटी बुक का, हम यहाँ अपनी तरफ से उसको, आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, वो अगले वीडियो में आएगा आपके पास।